वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए आज देखेंगे लोग तिरुकुल नीति में आगे बढ़ेंगे लोग। तो 8.2 तक पढ़ चुके हैं, 8.3 का थ्योरी पढ़ चुके हैं, 8.3 की प्रश्नावली को सॉल्व कर ले लो, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने बोर्ड पर डाल दिया है, इसको वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा आज तबीयत गड़बड़ है, थोड़ा धीरे मेरा स्पीड रहेगा, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे। अगर आपको दिक्कत हो तो आप क्या कीजिएगा, यूट्यूब से स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं 8.3 कौन सा चैप्टर 8.3 जिसमें कुछ क्वेश्चन को आपको बताए थे वीडियो में। तो ये इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास है कि साइन 18/72 जिसको हमने बताया था, फिर एक बार बताया था, पहला का पहला साइन 18/cos72। देखिए कहने का मतलब क्या है कि हमने बताया था बिना किसी भाषा का प्रयोग का, और जब आप अभी एकेडमिक तैयारी कर रहे हैं, आप अभी विद्यालय से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भाषा के साथ लिखना होगा तभी आपको पूर्ण नंबर मिलेगा। जब आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए तो वहाँ पर भाषा की कोई जरूरत नहीं होता, केवल ऑप्शन का जरूरत होता है। जैसे आपके ऑब्जेक्टिव में भी केवल ऑप्शन टिक करना होता है, तो वहाँ पर हमने भाषा नहीं लिखाया था, यहाँ पर भाषा के साथ बताते हैं। तो देखिए इसको कैसे शुरुआत करेंगे, लिखेंगे जैसा कि, क्या लिखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन ए बराबर, या इसको साइन थीटा कुछ भी लिखिए, कॉस 90-ए। ये जो एंगल रहेगा जब इसको 90 में से घटा देंगे तो ये साइन किस में चेंज होता है, कैस कॉस में, और कॉस किस में, साइन में, टेन कॉट में, कॉट किस में, टेन में, सेक किस में, कॉसेक में, कॉसेक किस में, सेक में, ठीक है। तो ये हम जानते हैं, अतः तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा अतः साइन ए। तो इसको साइन ए के जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस ए, कॉस, और क्या लिख देंगे, 90-ए, यानी 90-ए के जगह पे क्या, 18/cos72। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस 72, 90 में से 18 घटा लीजिए, बाई कॉस 72, कट के क्या आ जाएगा जी, एक। आंसर हमारा क्या आएगा, एक, ठीक है। चलिए इसमें जो एक का दो नंबर है इसी पर आधारित है, आप उसको बना लीजिएगा। तीन नंबर है घटाने वाला, बता दे रहा है कैसे क्या होगा। चलिए देखिए तीन नंबर क्वेश्चन क्या दिया, तीन नंबर क्वेश्चन बोल रहा गया कि कॉस 48-sin42, कॉस 48-sin42 क्या बोल रहा है, कॉस 48-sin42। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि कॉस ए बराबर साइन 90-ए, यही जानते हैं, तो लिख देंगे अतः कॉस ए, कॉस 48 पे क्या लिखेंगे, साइन 90-48-sin42। तो साइन 90-48 क्या हो जाएगा, साइन 42, 90-48 घटेगा 42-sin42, साइन 42 क्या हो जाएगा जी, 0, आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, 4 नंबर, कॉस एक 31 और सेक 50, इसको आप बना लीजिएगा। देखिए बनाने को मैं सब बना सकता हूँ, लेकिन मेरे बनाने से आपका काम नहीं चलेगा। आप जब बनाइएगा तो आपका तैयारी, आपकी तैयारी होगी, आपकी यहाँ पे तैयारी मजबूत होगी, तो एग्जाम में दिखेगा। एग्जाम में दिखेगा तो फिर आप वही कीजिएगा जो आप करना चाहते हैं, यानी क्या, मेरा, अपना, अपने गाँव, समाज, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दो नंबर में क्वेश्चन हमने एक समझाया था आपको टेन वाला, दूसरा समझा देते हैं, क्या है दूसरा, है आपका दो नंबर का दूसरा, देखिएगा दो नंबर का दूसरा क्या है, कॉस 38 कॉस 52 माइनस साइन 38 साइन 52 बराबर 0, इसको देखना है कि इतना बराबर 0 आ रहा है कि नहीं, दिखाइए, ठीक है। तो देखिए cos 52 इसको कैसे लिखेंगे, cos 38 को आप लिख सकते हैं साइन, cos 38 को क्या लिख सकते हैं आप, साइन, ठीक है, cos 38 को लिख दिए साइन 90-38,
90 माइनस 38, ठीक है। और इधर लिख दीजिए कॉस, इसको का इसको भी लिख दीजिए, साइन में बदल दीजिए, साइन 90 माइनस 52, क्या लीजिए, साइन 90 माइनस 52 माइनस साइन 38 साइन 52, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो साइन 90 माइनस 38 है तो यहाँ पे आएगा साइन 90 में 38 घटेगा कितना होगा 40 52, ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 52, तो ये क्या हो जाएगा साइन 38 माइनस, ये देखिए साइन 38 इंटू साइन 52। अब देखिए ये साइन 38 इधर लिख देंगे, कोई दिक्कत है, साइन 38 इंटू साइन 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, देखिए जो इधर है वही इधर है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2 × 3 × 2 है तो हमने 2 × 3 कर दिया, बस हमने यही किया, ठीक है, स्केच कम हो गया, सी आई भले तो हमने यही किया था। देखिए इधर साइन 38 साइन 38 साइन 52 साइन 52 माइनस, तो दोनों क्या जाएगा कट के क्या जाएगा जीरो, जीरो दिखाना था जीरो दिखा दिए, चलिए ये भी हो गया। इसमें का पहला टेन वाला तो समझाया ही जा चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेन 2a बराबर कॉट a माइनस 18, और साथ में बोला है कि जो 2a है वह निम्न कोण है, तो आपको ज्ञात करना है कि a बराबर वाट, क्या ज्ञात करना है a बराबर वाट, कि a बराबर क्या होगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे भाषा का प्रयोग करेंगे, भाषा का प्रयोग क्या करेंगे, लिखेंगे वही एक ही चीज पकड़ना है, जैसा कि हम जानते हैं, देखिए पढ़ाने को जो सारे थ्योरी मैं एक ही बार में आपको पढ़ाया था, लेकिन पार्ट बाई पार्ट कर कर क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जिससे जो रिलेटेड चैप्टर है उसी को पहले पढ़ा दिया जाएगा, उससे सॉल्व कीजिएगा तो बातें समझ में आती जाएंगी, तो हमें जो चौथा चैप्टर मिलेगा उसमें वहाँ पे इसका एप्लीकेशन करना होगा, इसका अनुप्रयोग करना होता है, प्रयोग करना होता है, तो हम ज़्यादा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं जी, कि टैन ए, इसको थीटा ले लीजिए क्योंकि यहाँ पे ए है तो आप कन्फ्यूज गए, टैन थीटा माइनस कॉट सॉरी कॉट 90 माइनस थीटा लिख देंगे, अतः यहाँ टैन 2 है तो इसको लिख देंगे, टैन को किस में बदल दे रहे हैं कॉट में, कॉट क्या लिख दे रहे हैं 90, यहाँ पे थीटा तो थीटा लिख, यहाँ पे क्या है 2 है, तो क्या लिखेंगे 2 है बराबर कॉट ए माइनस 18, ठीक है। ये दोनों न्यून कोण होता है तो हमने बताया था इसको कटाया नहीं जाएगा, कि इधर इधर बराबर इन दोनों क्या कर लेते हैं बराबर कर लिया जाता है, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, ठीक है। अब देखिए ये 90 इधर ला दीजिए, 90 प्लस 18 ये इधर चला जाएगा, a प्लस 2a, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा 108 बराबर 3a, 3a से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 35 दिन 105 36 दिन 6 × 3 × 9 = 10, ये बराबर आपको कितना निकल के आ गया 36 डिग्री, ठीक है। चलिए इसी तीन नंबर पर आधारित आपका पांच नंबर क्वेश्चन है, उसको बनेगा बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, और आपसे बन जाएगा, मुझे विश्वास है कि आपसे बन जाएगा, और मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, पिछले 4 साल से, तो मेरा विश्वास झूठा नहीं हो सकता, आपसे बन जाएगा, आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप तीन पे कौन सा डिपेंडेंट है 5, चलिए ये 4 नंबर देखते हैं। देखती बार बार बोलते हैं बनाने को मैं सब बना दूंगा, लेकिन मेरे बनाने से कुछ नहीं होगा भाई साहब, आप ही को बनाना है, आप ही को स्कोर करना है, ठीक है। तो 4 नंबर देख लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, टेन ए कॉट बी, ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर 90, सिद्ध करना है आपको ए प्लस बी बराबर 90 होता है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर लेते हैं जी, हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, टैन क्या जानते हैं, टैन ए बराबर कॉट 90 माइनस है जानते हैं, अतः क्या लिखेंगे, टैन लिखेंगे कॉट 90 माइनस ए बराबर कॉट बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपको निकल कर जाएगा, तो यहाँ पे तो लगा दीजिएगा, तो 90 माइनस ए बराबर बी, तो 90
ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, इधर ये जाएगा क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, उसको प्लग देंगे। हमें यही सिद्ध करना था कि a प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए 90। बिल्कुल आसान है, केवल यही आपको यूज करते जाना है कि माइनस 90 माइनस होगा टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, साइन कॉस में कॉस साइन में, और आपको सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, तो थोड़ा आवाज़ भी कम होगा, आप ईयरफोन लगा के सुन लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मन नहीं करता बोलने के लिए, थोड़ा सा तबियत में प्रॉब्लम है। तो जैसा कि हमने बताया था कि पाँच नंबर क्वेश्चन आपको किस पे डिपेंडेंट है, चार नंबर पे आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, क्या बढ़ते हैं लोग, छः नंबर क्वेश्चन पे, क्योंकि पाँच हमको सॉल्व करना है। छः नंबर क्वेश्चन दिया आपको, छः नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, दिया हुआ है साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। तो आपको दिखाना है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होंगे 180 डिग्री है। क्वेश्चन यही ना है, तो क्वेश्चन में कुछ लिखा है, बोल रहा है कि ए बी सी त्रिभुज का अंतः कोण है, तो दिखाइए कि आपको क्या है, दिखाइए कि ए बी सी, देखिए 180 नहीं दिखाना, आपको दिखाना है कि जो ये ए बी सी है, ये ए बी सी है, ये क्या है किसी त्रिभुज के अंतः कोण है, किस त्रिभुज का अंतः कोण है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा काम वही है कि जैसा कि हम जानते हैं, क्या करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। आप सभी जगह ए नहीं लीजिएगा, थीटा लीजिएगा, क्योंकि ए क्वेश्चन दे देते वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये थीटा है तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा जगह पे क्या है, बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। ठीक है, अब देखिए कॉस, इसको सॉल्व कर लेते, इसको सॉल्व कीजिएगा तो दो एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस बी प्लस सी। ठीक है, सॉरी ये भी माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस बराबर कॉस ए बाई टू। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अब क्या लिखेंगे, तो कॉस कॉस से बराबर तो हट जाएगा, हो जाएगा 180 माइनस बी माइनस सी बाई टू ए बाई टू। कोई दिक्कत, टू से टू कट गया। ठीक है, टू से टू कट गया तो क्या हो जाएगा जी, या 180 बराबर ए माइनस बी इधर आएगा प्लस बी माइनस सी इधर आएगा प्लस सी। तो देखिए तीन कोण है, कोण ए कोण बी कोण सी, और तीनों का योग क्या रहा है 180। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग कितना होता है 180 होता है, इसलिए ए बी सी क्या है जी, बोल बहुत हिल रहा है, इसलिए ये ए बी सी क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज का अंतः कोण हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, नहीं समझ में आओ तो फिर से वीडियो पीछे करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे एक सात नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.4 में, उसका थ्योरी पढ़ा कर उसको 8.4 को सॉल्व कीजिएगा, लेकिन अभी इसको कुछ देर के लिए स्टॉप रखा जाएगा, क्योंकि इसको क्या कीजिए 8.4 में बहुत कुछ है, तो जब तक आप 8.3 तक बढ़िया से रिवीजन नहीं कर लीजिएगा, बढ़िया से नहीं पढ़ लीजिएगा, तब तक 8.4 बढ़िया से नहीं हो पाएगा। तो कल से आपको इस वीडियो के बाद से आपको मिलेगा रसायन का पहला पार्ट पढ़ाया जा चुका है, आप प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। कल से रसायन का दूसरा जो चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण एसिड बेस एंड साल्ट, उसके बारे में आपको वीडियो मिलेगा। जब एक समय बीत जाएगा, जब मुझे लगेगा कि आपने मेहनत किया है, आपने इसको कर लिया, तो फिर आपको 8.4 का थ्योरी लाया जाएगा और 8.4 के जो दो या तीन वीडियो लगेंगे प्रश्नावली पे उसको खत्म किया जाएगा, उसका हर एक क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे आते हैं सात नंबर में। सात नंबर में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यही दिया गया, साइन 67 कॉस 75 को 0 और 45 के बीच में रखना है, तो क्या कैसे रखेंगे। देखिए यहाँ पे साइन को आप लिख सकते हैं, साइन 67 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 67 लिख सकते हैं ना, उसी समय से लिखवा रहे हैं। यहाँ पे कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 75 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा 90 में से 67 घटेगा कितना होगा 23, 67
तीन, सत्तर और बीस नब्बे, ठीक है। यहाँ पे साइन रहेगा, साइन नब्बे में से पचहत्तर घटेगा कितना आएगा, पंद्रह डिग्री आएगा, ठीक है। तो क्या क्या जीरो और पैंतालीस के बीच में बदलता है, जीरो के बीच में तेईस आता है और जीरो के बीच में, जीरो और पैंतालीस के बीच में पंद्रह आता है, इसी में बदलना था, हमने बदल दिया, हमारा आंसर हो गया। तो आपका यह 8.3 चैप्टर समाप्त हुआ। आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा और फिर से एक बार 8.1, 8.2, 8.3 का जो भी आपको वीडियोज है उसको देखिएगा, क्वेश्चन जो है उदाहरण में प्रश्नावली का उस सबको बनाइएगा, ठीक है। और 8.4 का थ्योरी अपने से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। जब इतना सारा आप काम कर लेंगे, जब उसके बाद हम वीडियो लेकर आएंगे, तो देखिएगा आपको त्रिकोणमिति में कहीं भी कोई तनिक भी नहीं फंसा सकता है। कहाँ तक के त्रिकोणमिति में, टेंथ लेवल तक के त्रिकोणमिति में कोई नहीं फंसा सकता है, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप उसको बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। फिर इधर कुछ देर तक आपका कुछ समय तक वीडियो चलेगा अमृत छात्रावल का। एक समय होने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से इधर त्रिकोणमिति की तरफ शिफ्ट होंगे और इसको पूरा करेंगे, ठीक है। हमें 4 साल का एक्सपीरियंस है तो हम जानते हैं कैसे लेकर चीज़ों को चलना है। आप विश्वास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके साथ बेहतर होगा। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।